नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र की तैयारी विपक्ष ने इस तरीके से की है कि वो सरकार पे महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर के अच्छे से घेरे, और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपनी कमर कसी हुई है। इस सत्र में उसे क्या क्या करना है, किस तरीके से उसे निपटना है, विपक्ष से क्या क्या बिल पास हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र के लिए अपनी पूरी कमर कसे हुए है। कल यानी कि 18 जुलाई सोमवार को मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ये जाकर के 12 अगस्त को समाप्त होगा। और इस दौरान सरकार की तरफ से 24 बिल पेश करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लगभग 8 विधेयक पहले से ही पेंडिंग है। केंद्र सरकार नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने और नए दौर के बाजार की जरूरतों को पूरा करने तथा एक कंपटीशन और दिवाला कानून में संशोधन संबंधी विधेयक इस मानसून सत्र में पेश कर सकती है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इन कानूनों में संशोधन करने वाली जो विधेयक हैं उन्हें पेश करने, चर्चा तथा पारित कराने के लिए लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा दिवाला और ऋण शोधन एक्ट, क्षमता संहिता और कुछ और विधेयक हैं जो संसद में पेश किए जाने हैं। इस मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना तय है। पहले ही दिन सभी सांसद सदन के मतदान केंद्रों पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को मतगणना होगी। एनडीए सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक भी बुलाई गई थी। विभिन्न जो दूसरे पार्टीज हैं उनसे सलाह मशवरा करने के लिए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी इसमें मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में पीएम की अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। कांग्रेस ने मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर आपत्ति जताई और पूछा कि क्या ये असंसदीय नहीं है। असंसदीय शब्द का प्रयोग हुआ तो मैं आपको बता दूं कि इस बार एक नया नियम भी आया है जिसके तहत कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होगा, और जानबूझ करके कांग्रेस ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, तो क्या ये असंसदीय नहीं है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं, क्या ये असंसदीय नहीं है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई के साथ साथ अग्निपथ योजना के मुद्दे पे भी सरकार को घेरेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो सर्वदलीय बैठक हुई है यहीं से समझ लीजिए कि संसद सत्र का जो एक तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, अभी से एक दूसरे पे आरोप लगाने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, कल
शुरुआत है, आप भी देखिएगा क्या होता है। कल बहुत सारे बिल पास होने हैं, उन पे विपक्ष कितना सहयोग करता है, किस तरीके का सहयोग करता है या किस बात पे हल्ला करता है, ये सब चीज़ें आप आने वाले 12 अगस्त तक देखते रहिएगा। और साथ ही मेरा चैनल अभी स्वीक भी देखते रहिएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।